ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 350 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ। ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਕਚੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਕਚੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਕਚੀ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਡਰਨ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡਾ 8-10 ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਅਦਰ ਕਾਸਟ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ +2 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਅਗਰ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਟਾਟਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪੂਰਾ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
साक्षी गुरद्वारा साहब एक माइनोरिटी स्कूल जो कि 10 तक स्थित है, उसके बाद एक अंग्रेजी मॉडर्न स्कूल हाई स्कूल भी साक्षी गुरद्वारा विच स्थित है। नाले नाल गरीब गुरबियां वास्ते गुरद्वारा साहब कमेटी वालों एक डिस्पेंसरी का भी निर्माण किया गया और आन जाने वाले यात्रुओं वास्ते भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था के नाल गुरद्वारा साहब विच कमरिया का निर्माण हैगा। गुरद्वारा साहब स्कूल जिहड़ा मॉडर्न और मिडिल स्कूल हैगा जिहड़ा अल्पसंख्यक का हैगा उहदे विच कम से कम 1600 बच्चे इत्थे पढ़ रहे हैं और जिहड़ा अंग्रेजी मॉडर्न स्कूल हैगा उहदे विच करीबन 300 बच्चे इत्थे पढ़ते हैं। माइनोरिटी स्कूल है जिहड़े बच्चे पढ़ते हैं मात्र थोड़ी जी 10-15 रुपए की फीस नाल ही बच्चों की पढ़ाई होंगी है। इत्थे अल्पसंख्यक के नाल नाल होर भी कास्टा के बच्चे इत्थे पढ़ते हैं लेकिन गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक नियम इत्थे लागू किया कि जो भी असैम्बली होंगी है तो गुरु महाराज की अरदास के नाल शुरू होंगी है और जो खत्म होंगी है स्कूल तो उदो भी गुरु महाराज के अरदास दे नाल ही खत्म होंदी है और नाले नाल इत्थे ते बच्चों नूं जिहड़े अदर कास्ट दे भी आ उन्हां नूं भी गुरमुखी असी एक पीरियड कंपलसरी कीती हुई है कि बच्चे गुरमुखी इत्थे पढ़न और जिहड़े गैर कास्ट दे बच्चे आ उह भी गुरमुखी चंगी तरह लिख पढ़ साडे तों चंग मतलब सिख समुदाय तों चंगी तरह उन्हां लिखना पढ़ना जानदे आ। इह बड़ी वड्डी साडे समाज दी इक गल हैगी है, साडा सिख कौम दा इहदे नाल प्रचार हुंदा है। एक साल के कार्यकाल में दास ने अपनी कमेटी के सहयोग नाल गुरुद्वारा साहब के काफ़ी काम जोड़े अधूरे पे से पूर्ण किए जिस तरह कि डेयरी साहब का निर्माण तो हो चुका सी लेकिन जुड़ाधर उदा जोड़ा टुट पज मरम्मत साफ सफाई वगैरह इतने की गई। गुरद्वारा साहब स्कूलों में काफ़ी मेंटेनेंस का अभाव सी, मेंटेनेंस की स्कूलों के डेस्क बेंच वगैरह बनाए, कमेटी के सहयोग न 440 की लाइन भी गुरद्वारा साहब से जोड़ी गई। आज साढ़े को पर्याप्त लाइट हैगी है, नाल सानू सरकार वालों इतने काफ़ी योगदान हैगा, असी झारखंड सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। मैं सब तो पहला वाहिगुरु का शुकराना अदा करना चाहना हाँ जिन्हों की अपार कृपा के नाल साडे गुरदेव सिंह जी राजा जिहड़े कि इत्थे दे प्रधान सन पहला उन्हां दे प्रयास के नाल इत्थे काफ़ी काम होए और होर खुशी की गल यह हुई कि आज 3 दिन पहला ही जिहड़ा है साडे गुरदेव सिंह राजा जी नूं झारखंड सरकार दे जिहड़े है माइनोरिटी कमीशन का वाइस चेयरमैन जिहड़ा है वो माननीय मुख्यमंत्री जिहड़ा रघुवर दास जी द्वारा मनोनीत किया गया है। ये साडी जिहड़ी मंग सी सारे ही झारखंड के सिखां दी कई सालों तो लगातार की जा रही थी कि साडा कोई सिख भरा जिहड़ा है वो मंत्री दे पत्ते आना चाहिए है। सो सानू इस गल की खुशी रही कि साडे गुरदेव सिंह जी राजा भी खास तौर साडे साक्षी गुरद्वारा खास तौर जमशेदपुर की समूह साध संगत में एक खुशी की गल ज़्यादा है क्योंकि इत्थे दे रहण वाले हैं तो इन्हों जिम्मेदारी मिली है और सानू इस गल की भी उम्मीद है राजा साहब तो कि ये जिहड़ा गुरद्वारा साहब साक्षी गुरद्वारा चूंकि इन्हों का ज़्यादा जुड़ाव जिहड़ा है इत्थे रहा है इत्थे जिहड़ा है साढ़े कई काम ऐसे ने सरकार दे माध्यम दे ना होने वाले उहदे विच जिहड़ा है राजा साहब जिहड़ा है वध चढ़ के सेवा करनगे। जिस तरह उदाहरण के तौर पर मॉडर्न स्कूल है उहदा निबंधन जिहड़ा है वह नहीं हो रहा है वह होना बाकी है, होर भी कई तरह के सरकार तो कई फैसिलिटियां जिहड़ियां हन सिखां नूं मिलदियां हन चूंकि असी लै नहीं पा रहे हाँ। सो ये जिम्मेदारी हुण इह निभाउणगे और उम्मीद करदे हाँ वाहिगुरू इन्हां ते इसे तरह कृपा बनाए रखण ताकि वध चढ़ के गुरु घर की सेवा करन। और साढ़े तो वड्डी खुशी की गल ये भी है कि साढ़े इत्थे पूरी तरह जिहड़ा है साक्षी गुरद्वारा एरिया लोकतंत्र बहाल है। अज तक जिहड़ा है
इत्थे दीआं जिहड़ीआं वी लोकतांत्रिक व्यवस्था दे अंदर जो भी चुनाव इत्थे हुंदे आए ने सो प्रतिद्वंदिता भी रही है, लेकिन इस गल की बहुत ही खुशी की गल है। उम्मीद करते हैं मंटू साहब तो कि जिहड़े भी काम जिहड़े है छुट्टे हुए ने उन्हूं जल्दी तो जल्दी करन। इत्थे जिहड़ी जिहड़ा साक्षी गुरद्वारा साहब है इहदी व्यवस्था जिहनूं दास जरूर दसना चाहेगा। इहदी विशेषता यह है कि साक्षी गुरद्वारे का नाँ आउंदे ही सब तो पहला टाटा नगर जमशेदपुर का नाम आउंदा है। बाहरों कोई भी आदमी आउंदा है, कोई भी यात्रू आउंदा है, वो सब तो पहला साक्षी गुरद्वारा ही आउंदा है और साक्षी गुरद्वारे ही इत्थे ही रहने की जिहड़ी व्यवस्था की गई है और सारे जिहड़े भी यात्रू आउंदे हन उन्हां नूं लंगर की भी सारी व्यवस्था जिहड़ी इत्थे हुंदी है। कमेटी ने इस वेले एक निर्णय लिया है कि भाई अगर संगत जे अपना सहयोग रहेगा तो इत्थे जिहड़ा है एक गुरु तेग बहादुर जी के नाँ ते जिहड़ा है एक हॉस्पिटल भी जिहड़ा है ये साक्षी मैदान है साडा इत्थे बनाउण दी गल है। सो अगर संगतां दी अनुमति मिलेगी सो ये भी काम जिहड़ा है अपनी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उड़ीकिया है। साढ़े इत्थे कम से कम 2 लाख प्लस जिहड़ी है आबादी सिखां दी हैगी है और 34 गुरद्वारे हैं साढ़े और उन्हां दे सारा ही जिहड़ा कट्ठ जिहड़ा है ये साक्षी गुरद्वारा विखे ही हुंदा है। सेंटर दे जिन्ने भी दीवान लगते हैं ये माण जिहड़ा है साक्षी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं मिलिया है और इस गुरद्वारा साहब नूं मिलिया कि जिन्ने भी वड्डे प्रोग्राम होणे हन ये अपने साक्षी गुरद्वारा मैदान में जिहड़ा है वह आयोजित हुंदे ने। सो असी इस मौके पर फिर एक बार साढ़े इत्थे दे समूह संगतां दा अहीं बहुत बहुत धन्नवाद करते हाँ और फिर उम्मीद करते हाँ मंटू भाजी तो कि जिहड़ी उन्हां नूं सेवा मिली है 3 साल ये सारिआं दे सहयोग दे नाल वध चढ़ के सेवा करनगे और गुरु घर दीआं खुशियां भी प्राप्त करनगे और संगतां दा दिल भी जितणगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। तो दर्शकों अज असी दर्शन किए जमशेदपुर के गुरद्वारा साक्षी साहिब के जो कि 2 एकड़ रकबे दे विच फैलिया होया ते गुरद्वारा साहिब वालों धर्म प्रचार के नाल नाल सिक्ख्या के म्यार नूं उच्चा चुकन लई भी कई कार्ज किए जा रहे हैं तो लोड़वंदां लई डिस्पेंसरी भी चलाई जा रही है। अगली बार फिर इसी प्रोग्राम विच मिलांगे ते दर्शन करांगे किसी होर गुरद्वारा साहिब के। उदों तक इजाजत दिओ, धन्नवाद।